हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जनता की समस्याओं को उनके घर द्वार पर सुलझाने व सरकार की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की 17 जनवरी से शुरुआत की गई है। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जनमंच कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए वर्तमान सरकार ने केवल उनका नाम बदलकर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें केवल जनमंच की नकल की गई है। लेकिन इस कार्यक्रम में जनता को इकट्ठा करने में कांग्रेस सरकार फेल साबित हुई है। साथ ही राजेंद्र गर्ग ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए उनकी झूठी गारंटियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस कार्यक्रम को केवल एक चुनावी स्टंट करार दिया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्यक्रमों का जनमंच का नाम बदल कर जो है वो सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और केवल नाम बदलकर काम चला रही है। और जनमंच में जो भीड़ उमड़ती थी लोगों की, हजारों की संख्या में लोग आते थे, यहाँ 300-400, 300-200 लोग इकट्ठे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जनता सरकार जनता के द्वार नहीं, ये सरकार का एक जनता को ठगने का काम है, चुनावी स्टंट बनाकर जनता का ध्यान बटोरने का। जो सरकार ने झूठी गारंटियां जनता को दे रखी है और जिन झूठी गारंटियों के कारण सत्तारूढ़ हुए हैं, उन गारंटियों की ओर से मुंह मोड़ने के लिए, मुंह मोड़कर और लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये चुनावी स्टंट जो है ये तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। 300 यूनिट की बिजली फ्री देंगे ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा जो 125 यूनिट गरीब लोगों को बिजली फ्री दी जाती थी, उस पर भी कांग्रेस की सरकार ने ताला लगा दिया है। और ये हर जगह तालाबंदी वाली सरकार साबित हुई है और जल्दी ही इस सरकार के ऊपर ही ताला जनता लगा देगी, इन सारी जो स्टंट सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं इसके कारण।